तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैं आज आप बता दूँ आपको, तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ आज, मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो एक सैमसंग का फ़ोन है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, M20। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर जो स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि इसके बाईपास में सिम जो होता है, इसकी सिम लगाने में बहुत दिक्कत होती है, सिम को बाईपास करने में। तो यही मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड, ये एक M20 लेटेस्ट फ़ोन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी बाईपास अगर आप जानते हैं फ्रेंड, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं जानते हैं और एक नई ट्रिक देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक आप देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ नया लेकर के आया हूँ। और जिन भाइयों को पता है तो बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं, बट फ्रेंड जिनको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, मैं बहुत प्रैक्टिकल करके और जो जेन्युइन होता है वही वीडियो मैं डालता हूँ। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जा करके उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्रेंड्स, इसमें FRP लगी है कि नहीं लगी है। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि इसमें FRP लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। आज मैं दो तरीके से शूटिंग कर रहा हूँ, जिसमें एक अलग तरीके से आपको पता चलेगा। एक मैं वहाँ पर भी दिख रहा हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा हुआ कि नहीं, देखते हैं इसमें FRP लगी है कि नहीं, नेक्स्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्किप का बटन नहीं आ रहा है। तो ये हमारा FRP जो M20 है, अगर मैं इसको मॉडल भी देखने की एक बार ट्राई करूँ तो मॉडल यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके मॉडल भी हमें दिख जाएंगे फ्रेंड्स। जिसमें इसमें मैं देखना चाहूँगा तो इसमें ये आप देख सकेंगे M20 है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये M20 है। जैसे मैं चालू होगा तो फिर भी आपको उसका पूरा दिखा दूंगा जैसे ही बाईपास होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारी FRP लगी हुई है, तो इसको FRP को आज हम बाईपास करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो वीडियो में आप बने रहें लास्ट तक। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा करके प्रैक्टिकली तौर से कि इसकी FRP हम कैसे रिमूव करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो आपको तुरंत मिले। बट फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम अपने PC में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये वीडियो आगे आपको करके। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देख ही लिया है, मैंने आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई दी है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स की सारी चीज़ें यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको बाईपास करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स हम इसे एक टूल के माध्यम से इसको एक बाईपास करने वाले हैं। इसमें देखिए दो कंडीशन बन सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें दो कंडीशन बन सकता है फ्रेंड्स। पहला तो ये हो सकता है कि इसमें आप जो हम दिखा रहे हैं आपको वो ट्रिक से ही बाईपास आप कर सकते हैं, नहीं तो गूगल तक पहुंचने का, यूट्यूब तक पहुंचने का बहुत ही बेस्ट जरिया हमने आपको यहाँ पे टूल के माध्यम से दिखाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, भले ही बातें लंबी लग रही है पर समझना आना चाहिए आपको। तो ये टूल है, एक टूल मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये एक टूल है सैमसंग FRP बाईपास का एक टूल है, जो कि ये हमारे सब्सक्राइबर और हमारे स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इस टूल को सिंपली ओपन करना है। इसके लिए जो टूल आप हमें देख रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ अलग तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आई होप जितना हो सकेगा मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर के हमेशा इन फ्यूचर आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ये टूल ओपन हो चुका है। जैसा कि आप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे सेटअप जो है, वो जो टूल है इजी सैमसंग FRP टूल 2020 वर्जन 1, ये हमारा आ चुका है। और मैं इसको सिंपल तरीके से बाईपास करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके सामने एक लाइव दिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे FRP बाईपास एक लिख रहा है यहाँ पे FRP बाईपास, तो हम इसे FRP को बाईपास पे टिक करेंगे। बट उसके लिए फोन को आपको फ्रेंड्स होम स्क्रीन पे करना है, आपको फोन को होम स्क्रीन पे करना है, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो फोन को आपको होम स्क्रीन में करना है और डाटा केबल से कनेक्ट करना है फ्रेंड्स, आपको डाटा केबल से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आप अगर नए स्टूल को चलाएंगे, पहली बार स्टूल को चलाएंगे, तो आप जैसे बाईपास पे करेंगे, जैसे देखिए हमारा यहाँ पे आ चुका है M20, अब सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे बाईपास पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे, आपको वाईफाई के लिए बोल रहे हैं, मैं आपके सामने ही फोन को लगाया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी
बस इसको ड्राइवर के लिए जैसे आप करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा वेरीफाई का ऑप्शन आ गया। बाकी मैं अपने मोबाइल में आपको दिखाऊंगा, हमारा यहाँ पे जो काम है बाईपास हो चुका है फ्रेंड, 110% हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको सिंपली अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल में ले जाऊंगा, आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाईपास का ऑप्शन आ चुका था। हम इसमें नेट पे कनेक्ट करेंगे, इसको वाईफाई देंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बहुत ही जेन्युइन तरीके से हो चुका है। अब मैं अपने फ़ोन में जा करके दिखाऊंगा कि हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको एक बार और देखना है तो मैं फटाक से फिर से इसको डिसकनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बाईपास करता हूँ, और जो मैं आपको दिखाना चाहता था मैं अभी अपने मोबाइल में दिखाऊंगा। तो फोन को कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब ये हमारा आ चुका है, अब यहाँ पे हम सिंपली ओके करेंगे। अब देखिए पोर्ट हमारा फिर से हो गया, मैंने एक बार फिर से कर दिया है। तो इस बार फटाक से मैं यहाँ पे वेरीफाई करके ये दिखाना चाहता था। अब मैं फटाक से अपने पीसी में जाऊंगा और इसको मैं स्टॉप करके आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा वहाँ पे, हमने वहाँ पे कर दिया। मैं आपको ये दिखाना चाहता था, जैसे ही आप बाईपास पे टिक करेंगे आपको ड्राइवर के लिए मांगेगा, और यहाँ पे देखिए आपका डायरेक्ट से जैसे ही आप टच करेंगे ये आपका सीधा और सीधा यूट्यूब खोल देगा। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं डाटा केबल से एक बार निकाल देता हूँ और वाईफाई अपना कनेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड। थोड़ा सा मेथड है जो कि आपको फॉलो करना है, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। अब वाईफाई आपको कनेक्ट कर लेना है, और जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट बटन पे आप जाएंगे। मैं इसको डाटा केबल से एक बार निकाल देता हूँ, और फ्रेंड डाटा केबल से निकालने के बाद ये मैं साइड में यहाँ पे रख देता हूँ। और अब चलिए हम इसे नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लग रही होगी। ये जो साइड में आप देख रहे हैं हमने इस टूल के माध्यम से इसका यूट्यूब, जो कि आप देख सकते हैं हमने जल्दी जल्दी में नहीं कर पाया, फिर से वही प्रोसेस करेंगे तो यूट्यूब हो जाएगा। पर फिर भी हम आपके सामने लाइव ही कर रहे हैं, क्योंकि जो एक साइड में आप कैमरे को देख रहे हैं वो एक लाइव ही चल रहा है, वो कोई भी स्किप नहीं है। मैंने यहाँ पे दो बार आपको करके दिखाया था, जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते तो वो यूट्यूब खोल देता, और यूट्यूब खोलने के बाद आप सीधा क्रोम में जा करके आप ऐप APK डाउनलोड करके आप बहुत ही ईजी तरीके से बाईपास कर सकते हैं। और इस टूल के माध्यम से फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका डायरेक्ट भी बाईपास कर देगा, कोई भी टूल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं यहाँ पे दोनों चीज़ बता रहा हूँ फ्रेंड आपको, यूट्यूब मेन ये टूल का कंसेप्ट है, यूट्यूब खोलना इस टूल का कंसेप्ट है, मेन यूट्यूब खोलना, बाईपास करना नहीं है। मेन आप जो सिम पिंच करते हैं, सिम पिंच आपका फेल होता है। मैं इसलिए इस वीडियो को लंबा बना दिया बाईपास का, क्योंकि आप कमेंट करेंगे कि अरे ये फेक है, बट फेक नहीं है। आपको मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ, आप इस टूल से करेंगे, नेट कनेक्ट करने के बाद अपना नेक्स्ट सेटअप करेंगे, अगर इससे स्किप का बटन आ जाता है तो जाहिर सी बात है आपका बाईपास हो जाएगा। अगर नहीं आता है, क्योंकि मैं ये सारा लाइव ही कर रहा हूँ, जो कि एक सेकंड कैमरे में भी मैंने किया हुआ है, जो कि वो भी एक लाइव चल रहा है, और इसीलिए मैंने दो कैमरे को यूज़ करके, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये वीडियो फेक है। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं कि हमारा जो गूगल वेरिफिकेशन आएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ, दो दो कैमरे से कर रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर वो हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो था ये, जैसे हमने नेट कनेक्ट किया, ये जो टूल था हमारा इंटरफेस, ये देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल भी लिख रहा है M20, ये सारा चीज़ यहाँ पे इसको डिटेक्ट करके और यहाँ पे इजीली तरीके से बाईपास कर दिया है। बट ये टूल आपका ये बाईपास भी डायरेक्ट कर सकता है, बट ये 110% आपका यूट्यूब लाएगा। मतलब फ्रेंड्स आप डायरेक्ट वेरीफाई पर क्लिक करते तो आपको यूट्यूब पर ले जाता, क्रोम पर ले जाता, फिर वहाँ पर जा करके आप APK डाउनलोड करते और वहाँ से आप इसकी इजिली फारपी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा ये बाईपास हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। स्किप करेंगे तो यहाँ पे भी हम मोर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे लाइक और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं आई। बट मैं जो भी वीडियो बनाया मैंने आज इसीलिए दो दो कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि आपको सारी चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाया। मैंने कोई भी चीज़ थोड़ी सी हिलने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि मैंने जो भी वीडियो बना रहा हूँ कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ फ्रेंड, जो भी है आपके सामने लाइव बना रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, बाईपास पे क्लिक करेंगे तो आपका ये टूल जो है ये खोल देगा आपका गूगल, आपका यूट्यूब खोलेगा फ्रेंड। मैं आपको बता दूँ फिर से कि आप दूसरा मॉडल, जैसे लो वर्जन के मॉडल आप, मगर आप M20 ही यूज़ करिएगा फ्रेंड। मैं आपको बता दूँ ये आपका 100% बाईपास कर देगा,
आप इसे M20 M10 का कोई भी सीरीज एक बार ट्राई करिए, 110% हो जाएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 100% जॉब डन हो चुका है, ये हमारा बहुत ही इजीली तरीके से अफार पे रिमूव हो गया। तो ये कुछ नया लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने कोई भी एडिटिंग, कोई भी फेक वीडियो यहाँ पर नहीं बनाया है, आपके सामने सारी चीज़ें जेन्युइन चीज़ें दिखाई है यहाँ पे। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये टूल इंटरफेस यूट्यूब खोलता है और बाईपास भी कर सकता है। तो अगर यूट्यूब खोलता है तो आप जा करके ईजिली तरीके से APK डाउनलोड करके आप वहाँ से अपना काम कर सकते हैं, नहीं तो आप नेट कनेक्ट करके एक बार गूगल तक जाइए और देखिए कि हमारा स्किप हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड मैंने दो दोस्त से शूट किया हुआ है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही आप बने रहें और अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू सो मच।